एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। सोमवार शाम करीब 7 बजे SEW ब्रिज पर एक लावारिस हालत में स्कूटी क्रमांक MP09EA5273 और एक लाइसेंस बाइक में रखा हुआ था। राहगीरों की सूचना पर धामनोद पुलिस ने स्कूटी अपने कब्जे में लेकर तलाश शुरू की। लाइसेंस के आधार पर कपिल पता राकेश राठौर निवासी खरगोन हाल मुकाम मिस्टान का होना पाएगा। पुलिस ने परिजनों को इसकी सूचना दी। तत्काल परिजन खलघाट पहुंचे और पुल से कूदने की आशंका जताई। आशंका के चलते धामनोद थाने की सूचना पर मंगलवार को सुबह परिजन व DRC टीम धर्मपुरी द्वारा सर्चिंग की जा रही है। एनटीवी टाइम के लिए खलगाट से दीपक मधुकर की रिपोर्ट। भैया नर्मदा नदी में सर्चिंग करवा रहे हो, क्या कुछ मामला है? ये कल रात के 8 बजे के आसपास की घटना है। वो पुलिस द्वारा हमें सूचना मिली थी घर पर कि हमारे भाई की स्कूटी खलगाट घाट पे प्राप्त हुई है पुलिस को, और उसी में मोबाइल और ये सब उसी में मिले थे। बहुत देर तक कोई स्कूटी के आसपास कोई नहीं आया था, तो उन्होंने फिर हमें सूचना की। तब आशंका है कि शायद हो सकता है नर्मदा नदी में कूदे हों, या ऐसा कुछ कह नहीं सकते, आशंका है, इसलिए हम सर्चिंग करवा रहे हैं। आपका नाम? अजय राठौर। कहाँ देते हो? लोहारी। नर्मदा नदी में सर्चिंग कर रहे हो, क्या कुछ मामला है? नर्मदा नदी में कल बीती रात की सूचना मिली थी कि कपिल पिता राकेश राठौर नाम का एक व्यक्ति की स्कूटी मिलने के कारण परिवार ने आशंका जताई है कि नर्मदा नदी में कूद गया है। इसलिए परिवार के साथ हम आज दिनांक 17 तारीख को तलाश कर रहे हैं। आपका नाम? होमगार्ड सैनिक दिनेश वर्मा, DRC केंद्र धर्मपुरी। खबरें तो देश से बहुत आती है, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़।